अगर कई गुना भीड़ आई तो जनता में उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए आज का हमारा कार्यक्रम सरकार ने जबरदस्ती निरस्त कराया, लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं। कल से हमने और लंबा उनके रोकने के बाद, पहले केवल आजमगढ़ तक था, अब गाजीपुर से लखनऊ तक का सबसे लंबा कार्यक्रम किया। और इस कार्यक्रम में हम ये साबित करके दिखा देंगे, जैसे हमने गोरखपुर में दिखाया, चाहे अमित शाह आया हो, चाहे मोदी जी आए हो, चाहे योगी करके, हम ये साबित कर देंगे कि पूर्वांचल की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। प्रेस के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने नहीं दिया, हम लोग चलना चाहते थे जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जनता के लिए उसको खोल देंगे, उसके बाद हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर से आजमगढ़ तक जाना चाहते थे, तानाशाह सरकार ने, या आप कहिए कि झूठी और बेईमान सरकार ने, कि देश दुनिया के सामने सच ना आ जाए इसलिए अनुमति नहीं दी है। पूर्वांचल के सारे जिले के लोगों ने, आम जनता ने, पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब कल कार्यक्रम स्थगित हुआ, अनुमति नहीं मिली, तो लोगों ने मांग की कि वो पूर्वांचल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज के बजाय कल का कार्यक्रम जारी कर दिया और कल वो आ रहे हैं और पूर्वांचल की जनता उनका स्वागत करेगी और पूर्वांचल के लिए क्या किया है और आने वाली सरकार में पूर्वांचल को क्या देंगे ये वो खुद बताएंगे। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम बदल देने से, अगर आपका कोई नाम बदल देगा तो आपका असली नाम छिपता नहीं है। देखिए, अब कास्ट पहले क्या थी, अब क्या है, ये सरकार को सामने रखना चाहिए। क्योंकि जब सरकार आई तो सरकार ने कहा कि हम इसलिए इसको टेंडर कैंसिल कर रहे हैं कि इसमें बजट बहुत है, लेकिन जब बनकर के कंप्लीट हुआ तो बजट उससे कई 100 करोड़ ज़्यादा का हुआ है। तब जब अलाइनमेंट के बाद उसकी ऊंचाई कम हुई और चौड़ाई कम हुई, तो इसका मतलब बजट कम लगना चाहिए। ज़्यादा अगर बजट लग गया है तो ये तो योगी जी बताएं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, वरना समाजवादी सरकार बनने के बाद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जांच कराएंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। मनीष अवस्थी जी सुबह सुबह बोलते हैं कि 22,500 की कुल लागत से बना है 347 किलोमीटर, जिसमें 21,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी में जो लागत थी वो क्या थी, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। देखिए, उनसे ही पूछे, ये तो सरकार बताएगी ना, ये तो फाइल में है, तो सच सरकार क्यों छिपा रही है, अधूरा सच क्यों बताती है सरकार। और जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था उसमें मंडियों का प्रावधान था, मंडियां कहाँ हैं, और बहुत सी चीज़ें थीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो देश में सब जगह सब घरों में शौचालय बना रहे हैं। आप 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अगर चलेंगे तो एक भी शौचालय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को डांट के जाएंगे और ये बता के जाएंगे कि ये आधा और अधूरा है।